हे गाइस, दिस इज प्रीति कुमार, मेकअप एक्सपर्ट, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, फेस योगा ट्रेनर एंड एन एजुकेटर। आई एम रनिंग माय टू स्टूडियोज, वन इन पीतमपुरा एंड अदर वन इज इन रोहिणी। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट लुक क्रिएट करना सिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं जो हमारी मॉडल है, इनके फेस पे बहुत सारा एक्ने है, तो कैसे हम एक्ने कवर अप कर सकते हैं। अगर हमें एंगेजमेंट लुक के लिए कवर अप करना है वो भी कर सकते हैं, और अगर हम घर में अपने एक्ने हाइड करना चाहते हैं, हमें किसी फंक्शन के लिए रेडी होना है, तो हम कैसे एक्ने कवर अप कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेस अच्छे से क्लीन करेंगे। इनका आई हुआ है तो हम वेट टिश्यू वाइप से नीचे क्लीन करेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिरा है वो सब निकल आएगा। जैसा आप सबको पता है कि एक्ने वाली स्किन ज़्यादातर सेंसिटिव भी होती है, तो हम एक सेंसिटिव स्किन का टोनर अप्लाई करेंगे। इसको छोड़ेंगे 2 मिनट के लिए ताकि ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। जब ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। बट याद रखें, ऑयली स्किन एक्ने जनरली ऑयल की वजह से निकलते हैं, तो ऑयली स्किन वाला ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। जेल फॉर्म में कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं या कोई अच्छा ऑयली स्किन का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी भी एक्ने वाली स्किन है तो हमेशा ऑयली फूड अवॉइड करें, और कोशिश करें शाम को 5 बजे के बाद तो हमें बिल्कुल भी ऑयली फूड नहीं लेना है। आप देख रहे हैं कि इनके एक्ने रेड मार्क्स हो रहे हैं, तो हम इसको हाइड करने के लिए पहले ग्रीन कंसीलर यूज़ करेंगे। जहां ब्लैक स्पॉट है वहां हम ऑरेंज कंसीलर यूज़ करेंगे, और जहां रेड मार्क्स है वहां हम ग्रीन कंसीलर यूज़ करेंगे। मैं सारे रेड स्पॉट्स को ग्रीन कंसीलर से कवर अप कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ रेड मार्क्स हैं वहाँ वहाँ पर मैंने ग्रीन कंसीलर लगा लिया है। अब जहाँ जहाँ ब्लैक मार्क्स हैं वहाँ मैं ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हैं कि डार्क सर्कल्स भी हैं, वहाँ पर भी मैं ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और आप ये देखिए, इनका जो लिप्स के राउंड का एरिया है वो भी थोड़ा सा डिसकलर है, तो यहाँ पर भी मैं कंसीलर यूज़ करूँगी इनकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मैं एक नेचुरल कंसीलर इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली यूज़ कर रही हूँ। अब हम ये जहाँ जहाँ डिसकलरेशन लग रहा है वहाँ पर हम अच्छे से बेस लगाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं हमने रेड एरिया को ग्रीन कंसीलर से कवर किया है, ब्लैक एरिया को ऑरेंज कंसीलर से, और जहाँ जहाँ डिसकलरेशन है वहाँ हमने लाइट पीच लिया है। अब मैं इसको सेट कर रही हूँ। सेट करते हुए मैं थोड़ा सा मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ। दूर से मेकअप फिक्सर अप्लाई करेंगे हमेशा। जब हम मेकअप फिक्सर अप्लाई करते हैं तो जो हम कंसीलर्स लगाते हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। हमेशा जब भी बेस सेट करें, हमेशा डैब डैब करके बेस सेट करें। आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे एक्ने कवर होने स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे हम नेक एरिया भी कवर करेंगे। अब हम बेस लगाएंगे। जब हम बेस अप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा डैब डैब करना है। आप देख पा रहे हैं इनके ओपन पोर्स भी हैं, तो हम हमेशा डैब डैब करके बेस अप्लाई करेंगे ताकि प्रोडक्ट इसके अंदर अच्छे से चला जाए और ओपन पोर जो है वो क्लोज हो जाए।
अब मैं दोबारा डबल कोट दे रही हूँ और मैं इसमें फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा, ताकि हम एक्ने का कवरेज अच्छे से कर पाएँ। कंसीलिंग के बाद मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ईयर्स को भी हम अच्छे से कवर अप करेंगे। नेक को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। हमेशा ब्लेंड, जब भी आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं तो हमेशा, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर, हमेशा आपको डैप करना है। कभी भी आप इसको ऐसे रब नहीं करेंगे, हमेशा डैप करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बेस अच्छे से स्किन में मर्ज हो चुका है और इनके एक्ने ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। हमारी मॉडल को बहुत फेयर टोन नहीं चाहिए था, हमारी मॉडल को चाहिए था कि मुझे एक नेचुरल लुक चाहिए, मुझे कोई बिल्कुल फेयर टोन नहीं चाहिए, मुझे मेरा जैसा स्किन शेड है वैसा ही चाहिए। तो बिल्कुल उनकी स्किन शेड के साथ मैच होता हुआ, जब भी सेम टोन चाहिए हो तो हमेशा स्किन के साथ एक टोन इन्हांस करके हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, ताकि जब वो ऑक्सीडाइज हो तो स्किन टोन का शेड आ जाए। अब लूज पाउडर से हम बेस को प्रॉपरली फिक्स कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि इनके एक्ने ऑलमोस्ट 80-90% कवर अप हो चुके हैं। अब हम कॉन्टूरिंग करेंगे। कॉन्टूरिंग के लिए एक डार्क शेड ले रही हूँ मैं, नोज कॉन्टूरिंग कर रहे हैं, चीक कॉन्टूरिंग करेंगे। यहाँ पर हम हमेशा वी में एरिया लेते हैं, मिड ऑफ ईयर से लेके आई के नीचे तक हम यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और इसको ऐसे ट्रायंगल में लेंगे। अब हम जॉ लाइन की कॉन्टूरिंग करेंगे। कॉन्टूरिंग ब्रश से हम इसको प्रॉपरली मर्ज करेंगे। जब भी हम जॉ लाइन का बेस मर्ज करेंगे, हम इसको यहीं पर नीचे की साइड मर्ज करेंगे। हमें इसे ऊपर नहीं ब्लेंड करना है, हमें इसे नीचे की डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। इसको हम यहां से ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। अब हम एक फेयर टोन लेके जो ये अपर एरिया है, फॉरहेड है, नोज है, इस एरिया को हम प्रॉपर हाईलाइट करेंगे। मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ हमें हाईलाइट करना है। कई बार ही क्या होता है कि कॉन्टूरिंग करते हुए जो हमारा चीक एरिया वो नीचे की तरफ स्प्रेड हो जाता है, तो हम इसको एक नीट लाइन से वापस कट करेंगे। हमें जितना चीक एरिया रखना है उतना रखेंगे, फिर हम इसको कट कर देंगे। अब हम इसको प्रॉपर ब्लेंड करेंगे। जब भी आप आई के नीचे फाउंडेशन देंगे तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब आप ये बेस मर्ज करेंगे आपको मॉडल की आईज तब तक नीचे नहीं होने देनी जब तक यहाँ पर आप लूज पाउडर अप्लाई ना कर दें।
थोड़ा सा मैं इनके फॉरहेड पे भी कॉन्टूरिंग करूंगी और थोड़ा सा इस साइड कॉन्टूरिंग करूंगी। मैं डार्क शेड ले रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फॉरहेड थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हम इसे ऊपर से कॉन्टूर कर रहे हैं। हमेशा जब भी हम मेकअप करते हैं हमें किसी भी फेस को एक परफेक्ट ओवल शेप में कन्वर्ट करना होता है, वो सबसे अच्छी फेस शेप होती है। यहाँ से भी साइड से भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्टूर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी मॉडल के फीचर्स नेचुरल वे में इन्हांस हो चुके हैं। अब हम ब्लश और हाइलाइटर लगाएंगे। मैं इन दोनों शेड्स का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ क्योंकि इनकी वार्म टोन है, तो ये शेड्स इनके ऊपर बहुत अच्छे उठेंगे। जब भी ब्लश लगाएं, ब्लश लगाने की हमारी टेक्निक क्या होती है, आप अपनी 3 fingers ऐसे रखिए। इस फिंगर पर कॉन्टूर किया जाता है, मिडल फिंगर पर ब्लश किया जाता है, अपर फिंगर पे हाइलाइटिंग की जाती है। जैसे हमारी फिंगर की शेप है, कंटूर लाइन, ये लाइन छोटी है तो हमें कंटूरिंग थोड़ा पहले ख़त्म करना होता है, ब्लश हमें थोड़ा आगे तक लेकर आना होता है, हाइलाइटिंग हमें थोड़ा बैक तक लेकर जाना होता है। अब हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, इस लाइन पे पहले हमने कॉन्टूरिंग करी, देन हमने ब्लश लगाया, अब हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। क्योंकि इनकी ड्रेस में सिल्वर टोन है तो मैं एक पर्ल टोन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। सिल्वर और पर्ल हाइलाइटर मिक्स करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी स्किन का कवरेज हो चुका है, तो अब इनको लिपस्टिक और आईलैशेस लगा के देखते हैं कि क्या इनकी फाइनल लुक आती है। तो करते हैं थोड़ा सा वेट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारी फाइनल लुक कंप्लीट हो चुकी है और आप हमारे मॉडल के फेस को देख सकते हैं। एक्ने ऑलमोस्ट 100% कवर हो चुके हैं और बहुत अच्छी ग्लैम लुक आ रही है। मैं फिर आऊँगी आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड लेकर।